Hello class, as you all know that from the last few videos we are doing the revision of the chapter that we have already discussed, okay? Now, so today I am going to discuss about the computer's hardware and the software. Basically computer hardware, I am going to discuss about the computer's hardware, ठीक है? Computer के जो hardware होते हैं, I am going to discuss about that. First chapter we have already, what is computer, this chapter we have already discussed. Now, so this is the time for us to discuss this chapter, that is what is computer hardware. So what are the things that we are going to cover in this chapter? So following are the things that we are going to cover in this chapter. First is, what is hardware? Hardware component, input devices, output devices, storage devices एंड अदर कॉम्पोनेंट, है ना? ये सारी चीज़ें हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, मतलब इस चैप्टर में हम वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स. ओके नाउ, सो लेट अस स्टार्ट. सो व्हाट इज हार्डवेयर? वी हैव डिस्कस दिस इन अवर ऑनलाइन क्लास ऑल्सो. हमने ये ऑनलाइन क्लास में भी बहुत ही अच्छे से डिस्कशन किया था अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और आप बच्चों ने बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल आंसर्स भी आप लोगों ने बताए थे. So what is hardware? All the physical equipment that are attached to a computer are collectively called the hardware. So all the physical equipment that are attached to a computer are called the hardware. They are known as the hardware. All the physical equipment, जितने भी physical equipment होते हैं computer के, उन्हें हम क्या कहते हैं? We call them hardware. अच्छा, now question arises, what is physical equipment? सो अगर हम बात करें फिजिकल इक्विपमेंट की, तो वो सारी चीज़ें जिसको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम टच करके फील कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर. सो बताओ कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम टच करके फील कर सकते हैं कंप्यूटर के? राइट, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, है ना? इन सारी ऑब्जेक्ट्स को हम टच कर सकते हैं, तो ये फिजिकल इक्विपमेंट्स होते हैं और इन्हें हम टच कर सकते हैं, सो वी कॉल देम एज कंप्यूटर हार्डवेयर. Now, hardware is that part of a computer which you can touch and feel. Keyboard, printer, monitor, speaker, mouse fall in this category. So what are the what is the definition? Hardware is that part of computer which you can, so the part of computer that you can touch and feel are known as hardware. They are the keyboard, printer, monitor, स्पीकर, माउस एक्सेट्रा. देखो अब यहाँ पे ये जो कंप्यूटर का पूरा सिस्टम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, अब यहाँ पे देखिए, स्पीकर, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, ये सारे इक्विपमेंट्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं. नाउ हार्डवेयर कंपोनेंट. अब जो हार्डवेयर कंपोनेंट है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं. हार्डवेयर कंपोनेंट क्या हो जाते हैं? टू पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं. हार्डवेयर इंक्लूड वेरियस कॉम्पोनेंट लाइक इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज एंड सिस्टम यूनिट. इतने पार्ट में हार्डवेयर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो डिवाइड हो जाते हैं, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, ठीक है, सिस्टम यूनिट. नाउ लेट अस मूव अहेड. इनपुट डिवाइसेस, अ हार्डवेयर कॉम्पोनेंट दैट अलाउ you to enter data and instruction into a computer is called the input devices. A hardware component that allows you to enter data and instruction into a computer is called an input devices. ठीक है, चलो. Now here I am having a PPT for the same to explain you about the hardware and the software. ओके, ओके, सो हियर अ कंप्यूटर इज व्हाट? इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. दैट दिस यू नो, कंप्यूटर इज व्हाट? इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. व्हाट इट डज? इट एक्सेप्ट डेटा, इट प्रोसेस डेटा एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन. सो ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, दैट इनपुट
processing and output. हमने इनके बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. इट इज डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, दैट इज हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर, ठीक है. अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा एंड प्रोसेस डेटा एंड प्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन. सो वॉट इट डज, इट प्रोड्यूसेस द इंफॉर्मेशन. नाउ लेट अस मूव अहेड. नाउ बट इट इज डिवाइडेड इंटू द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज डिवाइडेड इंटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, दैट इज हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर द टू कैटेगरीज, जिसमें क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, बढ़ जाता है. नाउ मूविंग अहेड, हार्डवेयर. नाउ वी हैव, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस विद द हेल्प ऑफ योर बुक, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द हेल्प ऑफ दिस हार्डवेयर. ओके, सो हार्डवेयर इज द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन एंड अदर डिवाइसेस. हार्डवेयर इज वॉट, इट्स द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन एंड अदर डिवाइसेस. इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द कंप्यूटर प्रॉपर बट ऑल्सो द केबल, कनेक्टर, पावर सप्लाई यूनिट एंड पेरीफेरल डिवाइसेस सच एज द कीबोर्ड, माउस, ऑडियो स्पीकर एंड द प्रिंटर, ठीक है. सो कंप्यूटर के वो डिवाइसेस और जिनका क्या हो, जिनका एक फिजिकल एस्पेक्ट हो. फिजिकल एस्पेक्ट मीन्स जिन चीजों को हम टच कर सकते हैं ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम हार्डवेयर. ओके, इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द कंप्यूटर बट ऑल्सो द केबल, कनेक्टर, पावर सप्लाई यूनिट, पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज द कीबोर्ड, माउस, ऑडियो स्पीकर एंड प्रिंटर. ओके, नाउ यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया गया, यहाँ पे अलग अलग जो हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनकी जो कैटेगरीज हैं, जो पार्ट्स हम कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेस में इंक्लूड करते हैं, उनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, वी आर लिविंग दिस, हम अब आएंगे सीधे इनपुट डिवाइसेस पे, इनपुट हार्डवेयर्स पे आएंगे, क्योंकि हमारी बुक में भी अभी हमने इनपुट डिवाइसेस देखा, तो अब हम आएंगे सीधे इनपुट डिवाइसेस पे. सो द इनपुट डिवाइसेस, व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस, इनपुट हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ द एक्सटर्नल डिवाइसेस बाई विच वी गिव इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर. इनपुट हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ द इंटरनल डिवाइसेस बाई विच वी गिव इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर. कॉमन इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस क्या, वो डिवाइसेस जिससे हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, वो डिवाइसेस जिससे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं. तो कौन कौन सी हैं, कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर. कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये वो पार्ट हैं कंप्यूटर के जिनसे हम क्या करते हैं, जिनसे हम क्या करते हैं, वी गिव इनपुट. इनसे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में इनपुट देते हैं. सॉरी. ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड एंड रीड अबाउट देम वन बाय वन. सबसे पहले दे आर डिस्कसिंग कीबोर्ड. तो चलो पहले हम अपनी बुक से भी कीबोर्ड को देख लें. देखो यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर दी गई है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, है ना. ओके, सो कीबोर्ड, सो कीबोर्ड इज व्हाट, द सेट ऑफ टाइपराइटर्स लाइक की, द सेट ऑफ टाइपराइटर लाइक कीज दैट इनेबल्स यू टू एंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर. ओके, अब देखो ये टाइपराइटर जैसा है, ये जब टाइपराइटर जैसा है तो इसमें हम क्या नहीं कर सकते, पहले देखो टाइपराइटर हुआ करते थे तो
तो ये कैसा था, टाइपराइटर जैसा। तो इस वजह से कीबोर्ड के लिए क्या किया था, द सेट ऑफ टाइपराइटर लाइक कीज कहा गया। स्टेप इस सेट ऑफ टाइपराइटर लाइक कीज मतलब ऐसे ही सेट जो होते थे टाइपराइटर्स में भी होते थे, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको तो पता है कीबोर्ड की हेल्प से भी एंटर डेटा, वॉट एवर, सपोज मुझे वर्ड पे कुछ लिखना है तो वॉट आई विल डू, आई विल टाइप समथिंग एंड वो हमें हमारे मॉनिटर पे दिखेगा, ठीक है। तो जब हम कोई चीज इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर को, दैट मीन्स वॉट, वहां पे क्या हो रहा है, दैट इज टाइप। हम जब वहां पे टाइप कर रहे हैं तो दैट मीन्स वहां पे क्या है, जब हम टाइप करके इनपुट दे रहे हैं तो ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। नाउ नेक्स्ट इज माउस। अब माउस का सबसे अच्छा एग्जांपल आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो ये पेंसिल जैसी चीज है जो कि मेरे साथ यहाँ पे मूव कर रही है, सी, इसी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट कर्सर और पॉइंटर। सो अ डिवाइस दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर और पॉइंटर ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन। तो वो डिवाइस जिससे कि हम क्या करते हैं, कर्सर या पॉइंटर को, स्क्रीन पे आए हुए कर्सर या पॉइंटर को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, माउस। माउस से हम इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, जैसे मुझे सपोज करो ये पेन चेंज करना है, मुझे नंबर्स लेने हैं, तो मैं यहाँ पे जाके क्लिक कर दिया और देखो अब मेरे स्क्रीन पे क्या आने लगे, मेरे स्क्रीन पे अब नंबर्स आने लगे। सो यू कैन सी दैट, अभी मुझे नंबर नहीं चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बना दिया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकती हूँ, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, ये माउस जो है वो काम करते है। ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। देखो मैंने इनपुट दिया और आपको स्क्रीन पे ये नजर आ रहा है, तो इनपुट और आउटपुट, दैट मॉनिटर जो स्क्रीन है वो क्या एक्ट करेगा, दैट विल एक्ट एज एन आउटपुट डिवाइस। वो किस तरह से एक्ट करेगा, दैट विल एक्ट एज एन आउटपुट डिवाइस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्कैनर। सॉरी, अगली डिवाइस जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो कौन सी है, दैट इज स्कैनर। सो अ डिवाइस दैट कैन रीड टेक्स्ट और इलस्ट्रेशन प्रिंटेड ऑन पेपर एंड ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इन टू अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर कैन यूज, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट स्कैनर, उसे हम क्या बोलेंगे, स्कैनर। स्कैनर किस तरह काम आता है, सपोज कि मेरे पास एक पेपर है जिसपे मुझे कुछ प्रिंट करना है, तो वॉट, या तो मेरे पास कुछ पेपर है जो कि मुझे क्या करना है, स्कैन करके अपने लैपटॉप में चाहिए, दैट आई कैन डू, वहां पे मैं स्कैन करके उसको अपने लैपटॉप में मैं ले सकती हूँ। ओके चलो अब थोड़ा हम अपनी बुक का एक्सरसाइज देख ले, मतलब बुक में जो चीजें हैं वो चीज देख ले, उसके बाद वापस हम आते हैं। सो वी आर यूजिंग क्लास 3 बुक टुडे, ओके। यहाँ पे एक सिस्टम, नाउ वी आई एम गोइंग टू ओपन आवर बुक, ठीक है। तो कीबोर्ड के बारे में हमने पढ़ा, कीबोर्ड के पहले, सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस। सो व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस, सो द डिवाइसेस और द हार्डवेयर कंपोनेंट। बाय द हार्डवेयर कंपोनेंट, जैसे कि अभी हमने देखा स्कैनर, कीबोर्ड या माउस, इन तीनों को हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों को हम टच कर सकते थे, वेदर इट इज हार्डवेयर, वेदर इट इज हार्डवेयर, सॉरी, वेदर इट इज माउस और कीबोर्ड, हम क्या कर सकते हैं, तीनों को हम टच कर सकते थे। तो अ कीबोर्ड इज वॉट, इट्स एन इनपुट डिवाइस दैट इज यूज टू एंटर डेटा इन टू अ कंप्यूटर। देर आर मेनी बटन्स ऑन इट कॉल्ड कीज, दीज कीज आर प्रेस टू एंटर डेटा इन टू द कंप्यूटर। द कीबोर्ड ऑफ अ डेस्कटॉप टिपिकली हैज 101 to 105 कीज, ठीक है, 101 to 105 कीज होती है। और ये जो बटन्स होते हैं, बटन्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो बटन्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम की। नाउ द नेक्स्ट इज माउस, अ कंप्यूटर माउस। अ माउस इज एन इनपुट डिवाइस दैट फिट्स कंफर्टेबली अंडर द पाम ऑफ योर हैंड। सो माउस इज वॉट, इट्स एन इनपुट डिवाइस दैट फिट्स कंफर्टेबली अंडर द पाम ऑफ योर हैंड। इट इज यूज टू ड्रॉ द पिक्चर एंड सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। द टॉप ऑफ अ माउस हैज टू बटन एंड अ व्हील। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पॉइंटिंग डिवाइस। तो लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ माउस फ्रॉम हियर। ओके, तो आई हैव टू टाइप कंप्यूटर माउस।
ओके सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो लॉट्स ऑफ कंप्यूटर माउस आ रही है. दीज ऑल आर व्हाट? दीज ऑल आर द कंप्यूटर माउस. ठीक है. देखो यहाँ पे ये जो एक की आपको दिख रही है ये किस लिए काम आती है? दिस की इज यूज टू स्क्रॉल द पेज. इस पेज को आप क्या कर सकते हो? स्क्रॉल कर सकते हो. ये एक ऐसा केबल सा होता है. दिस केबल, व्हाट यू डू, यू अटैच दिस केबल टू योर लैपटॉप और कंप्यूटर एंड देन यू यूज. ठीक है. तो दिस इज द फंक्शन ऑफ माउस. लैपटॉप में क्या होता है? लैपटॉप में इन बिल्ट माउस होता है. इन बिल्ट माउस से मेरा क्या मतलब था? लैपटॉप में क्या होता है? इन बिल्ट माउस होता है. इन बिल्ट माउस मीन्स, इन बिल्ट माउस मीन्स वॉट? वो माउस उसमें होता है. मतलब इन बिल्ट माउस मतलब जो हमारा टच पैड होता है उसी को. वो कैसा काम करता है? वो भी माउस की तरह वर्क करता है. अगर आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है तो यू कैन ऐड माउस विद द हेल्प ऑफ दीज वायर्स. इस वायर की हेल्प से आप माउस अपने लैपटॉप में ऐड भी कर सकते हो. ओके फाइन. नाउ लेट अस मूव बैक टू अवर बुक. ओके सो अ माउस इज एन इनपुट डिवाइस दैट फिट्स कंफर्टेबली अंडर द पाम ऑफ योर हैंड. इट इज यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट. इट इज यूज टू ड्रॉ द पिक्चर एंड सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट. द टॉप ऑफ अ माउस हैज टू बटन. द टॉप ऑफ अ माउस, यहाँ पे क्या होता है? लेफ्ट की एंड द राइट की, टू कीज होते हैं. एंड वन मोर थिंग इज देयर. दैट थिंग इज वॉट? दैट थिंग इज व्हील. एक और चीज जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज, कॉल इट एज व्हील. ओके नाउ इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पॉइंटिंग डिवाइस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पॉइंटिंग डिवाइस. नाउ द नेक्स्ट इज स्कैनर. आफ्टर द पॉइंटिंग डिवाइस द नेक्स्ट थिंग इज वॉट? इट्स स्कैनर. स्कैनर के बारे में भी देखा हमने. स्कैनर इज वॉट? इट्स एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू एंटर इमेज टेक्स्ट ड्रॉइंग इन टू द कंप्यूटर. सपोज आपकी इमेज टेक्स्ट या ड्रॉइंग इमेज टेक्स्ट या ड्रॉइंग आपकी आपके पास है, फिजिकल फॉर्म में है, आप उसको चाहते हो कंप्यूटर में इनपुट करना, तो यू दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ स्कैनर. ओके मूविंग बैक टू दैट स्लाइड दैट वी वर डिस्कसिंग. चलो अब देखते हैं स्कैनर के बाद अगली कौन सी चीज हमें पढ़नी है. अच्छा नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द आउटपुट डिवाइस बट वी आर लेफ्ट विद सम इनपुट डिवाइसेस ऑल्सो. सो वी विल डू दैट ऑल्सो. ओके जॉयस्टिक. नेक्स्ट इज जॉयस्टिक. सो जॉयस्टिक इज व्हाट? जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस दैट कैन बी अटैच्ड. जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस एंड दैट कैन बी अटैच्ड विथ अ कंप्यूटर टू प्ले गेम्स. इट इज यूज टू कंट्रोल डिफरेंट मूवमेंट इन अ गेम. सो जॉयस्टिक इज यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन अ गेम. गेम में डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट होती है उसको रोकने के लिए वी यूज जॉयस्टिक. ओके सो वी आर डन विद जॉयस्टिक हियर. अच्छा ठीक है चलो लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ जॉयस्टिक. नाउ जॉयस्टिक. सी दीज ऑल आर द जॉयस्टिक. और हम क्या करते हैं इसके हेल्प से? वी कैन कंट्रोल द मूवमेंट. अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको बटन्स नजर आ रहे होंगे. तो इन बटन्स की हेल्प से क्या होता है? जो भी कंप्यूटर में जो भी ऑब्जेक्ट होता है उनको हम क्या करते हैं? वी कैन कंट्रोल दैट ऑब्जेक्ट. ओके नाउ मूविंग बैक टू अवर बुक. आफ्टर द जॉयस्टिक नेक्स्ट थिंग इज वॉट? माइक्रोफोन. आफ्टर द जॉयस्टिक जो अगली चीज हमें देखनी है दैट इज वॉट? दैट इज माइक्रोफोन. द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू सी इज वॉट? इज द माइक्रोफोन. ओके सो माइक्रोफोन इज वॉट? इट्स एन इनपुट.
Again, why microphone is an input device? Because it is used to give input to the computer. We can record our voice and we can send it in microphone. So you can record any type of voice, including your own voice, and save it in computer. We can save it in our computer. So microphone is what? It's an input device and that is used to record voice on a computer. You can record any type of voice, including your own, and save it on a computer. Okay. So you can record any type of voice, including your own voice, and save it in a computer. Okay. Now, moving ahead. Next is digital computer. So a digital camera, also called the Digicam, is an input device that is used to capture and store photograph electronically in the computer. So we can use the Digicam. It is an input device which is used to capture and store the photograph electronically in the computer. Next is touch screen. Touch screen is what? It's an input device through which the data is entered by simply touching the screen. The object on the screen is pointed using a finger. The finger act as a pointing device. Finger, what it does? It act as a pointing device. So two devices are here. First one is digital camera. सबसे पहले discuss किया digital camera के बारे में. Now the touch screen. So the touch screen is an input device. It's an input device through which the data is entered by simple touching the screen. Simple touching the screen. The object on the screen is pointed using a finger. The finger act as a pointing device. The finger act as a pointing device. Now next is output devices. Any hardware component that shows you the final result is called the output device. Any hardware component that shows you the final result is called an So any hardware component that shows you the final result is called an output device. So same kya kehte hain, we call it an output device. Now the first is monitor. A monitor is an input output device that is used to display text, picture and videos. A monitor is what? It's an output device that is used to display text, picture and videos. We can use the monitor. Ab hum kya padhne ja rahe hain? We are reading the output. So output is used to show the final result. जैसे कि मॉनिटर क्या कर रहा है, फाइनल रिजल्ट किस तरह से, मैं माउस की हेल्प से मैं यहाँ पे स्क्रिबल कर रही हूँ और वो आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा है. देखो मैं यहाँ पे कुछ भी स्क्रिबल कर रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी स्क्रिबल कर रही हूँ वो आपको किसकी हेल्प से आपकी अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको वो दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे विद द हेल्प ऑफ वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर. तो मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है. चलो लेट अस गो बैक टू द पीपीटी. ओके, आउटपुट हार्डवेयर. नाउ द नेक्स्ट हार्डवेयर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज आउटपुट हार्डवेयर. So our output hardware consists of the internal and external devices that transfer information from the computer CPU to the transfer the information from the computer CPU to the computer user. ठीक है, output devices क्या होते हैं? Input जो हम करते हैं उसके result को या final result को show करने वाले devices को we call output devices. Common output hardwares are monitor, printer and speaker. मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर आर द कॉमन आउटपुट हार्डवेयर. और कॉमन आउटपुट हार्डवेयर कौन से होते हैं? मॉनिटर होते हैं, प्रिंटर एंड स्पीकर. मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर आर द कॉमन हार्डवेयर. ओके, नाउ तो सब अभी जैसे कि मैम ने मॉनिटर के बारे में आपको समझाया, ठीक है, मॉनिटर के बारे में मैम ने आपको समझाया, वो हमें समझ में भी आ गया कैसे मॉनिटर एक क्या है.
मॉनिटर एक हार्डवेयर डिवाइस है, आई मीन हार्डवेयर है, क्योंकि हम उसे क्या कर सकते हैं, वी कैन टच दैट. मॉनिटर इज अ हार्डवेयर डिवाइस बिकॉज वी कैन टच दैट. मॉनिटर को हम टच कर सकते हैं, इसलिए मॉनिटर इज व्हाट, इट्स अ हार्डवेयर डिवाइस. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस फर्दर बाय चेंजिंग द स्लाइड. आई एम गोइंग टू चेंज द स्लाइड. ओके, सो द लेट अस मूव अहेड विद द स्लाइड. नाउ द नेक्स्ट इज मॉनिटर. ओके, अ डिस्प्ले स्क्रीन यूज टू प्रेजेंट आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर, वीडियो कैमरा, वीसीआर और अदर वीडियो जनरेटर इज कॉल्ड द मॉनिटर. मॉनिटर, जैसे यहाँ पे देखो पिक्चर भी ड्रॉ करके दिया गया है कि दीज ऑल आर द मॉनिटर, दीज आर द मॉनिटर. एंड प्रिंटर, इन अ कंप्यूटर अ प्रिंटर इज अ डिवाइस दैट एक्सेप्ट टेक्स्ट ग्राफिक आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू द पेपर. सो वॉट इट डज, इट ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू द पेपर. नेक्स्ट इज स्पीकर. अ स्पीकर और हेडफोन टू एन आउटपुट पोर्ट टू हियर द ऑडियो प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर. प्रिंटर क्या, अब देखो प्रिंटर, जैसे आपको एग्जाम में पेपर्स मिलते हैं तो वो पेपर कैसे होते हैं, टीचर्स क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाते हैं अपने 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 लैपटॉप या कंप्यूटर पे, ठीक है, फिर उसको क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं. तो प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर जो भी चीजें इनपुट फॉर्म में कंप्यूटर पे हैं उसको क्या करती हैं, उसको प्रिंट कर देती है, एंड वी गेट द प्रिंटर. नेक्स्ट इज आफ्टर द प्रिंटर, देखो प्रिंटर में क्या है, इन अ कंप्यूटर अ प्रिंटर इज अ डिवाइस दैट एक्सेप्ट टेक्स्ट एंड ग्राफिक आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर एंड ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू द पेपर. स्पीकर, अ स्पीकर और हेडफोन टू एन आउटपुट पोर्ट टू हियर द ऑडियो प्रोड्यूस बाई द कंप्यूटर. स्पीकर इज क्या, स्पीकर इज वॉट, स्पीकर इज द आउटपुट पोर्ट, जैसे इट प्रोड्यूस द कंप्यूटर वॉइस फ्रॉम द कंप्यूटर. कंप्यूटर की वॉइस को स्पीकर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है. तो इसलिए वॉट वी कॉल इट, वी कॉल इट आउटपुट डिवाइस. नाउ कनेक्टिंग हार्डवेयर, अभी इनके बारे में वी वोंट स्टडी, सो वी विल मूव बैक टू अवर बुक. मॉनिटर हो गया, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज प्रिंटर. प्रिंटर के बारे में समझाया, बट स्टिल लेट अस रीड अबाउट इट अगेन. सो प्रिंटर इज व्हाट, इट्स एन आउटपुट डिवाइस. प्रिंटर इज व्हाट, इट्स एन आउटपुट डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू प्रिंट टेक्स्ट एंड ग्राफिक ऑन द पेपर. इट इज यूज्ड टू प्रिंट द टेक्स्ट एंड ग्राफिक ऑन द पेपर. द टेक्स्ट और द ग्राफिक वी गेट ऑन द पेपर आर कॉल्ड द हार्डवेयर. टेक्स्ट और द ग्राफिक जो कि हमें मिलते हैं, व्हाट वी कॉल देम हार्ड कॉपी और हार्डवेयर. Because the information is displayed on paper permanently. Hard copy is also called a printout. Hard copy को हम और भी क्या कहते हैं, hard copy को हम कहते हैं printout. Okay? Now the next is speaker. Speakers are the output devices which are used to hear the sound output from a computer. Speakers are the output devices and which are used to hear the sound output from the computer. अभी speaker के बारे में पढ़ा भी हमने. You can listen to the song, speech and other different sound through the speaker. The speaker comes in different shapes and size. Speaker comes in different shapes and size. तो यहाँ तक हमने देखा input and output devices के बारे में. अभी hardware में और भी devices होते हैं, जैसे कि storage devices. इतना हमने देखा, आज हमने input देखा, output देखा, ठीक है. अब storage devices, storage devices वो devices होते हैं जो कि क्या करते हैं, data को क्या करती हैं storage devices, they store the data of the storage devices. Storage device का data ये क्या करते हैं, store करते हैं. Okay, so class this is it for today and now ma'am will meet you in the next class. ठीक है, अब in the further class we will discuss about the storage devices. As I have already told you कि this is what, this is that revisional class. ठीक है, तो इसमें हम कुछ basic concept जो computer के हैं उनके बारे में we will study. Okay, so we will meet in our next class.